बैग अपना है ना, थोड़ा अंदर डाल दे। नहीं यार वो दानिश हमने उसको दीदी ने अपनी कैमरा में प्रॉब्लम है, गांव चले जाऊंगा मैं। सर सेंटर बोलो। थैंक यू। रुख एक जिसे कहें कि एक तरीके की फिल्म है जो संबंधों के बारे में बात करती है, एक सस्पेंस थ्रिलर इस तरह की इसमें एलिमेंट हैं, इसमें बाप बेटे के संबंध के बारे में, बाप और माँ के संबंध के बारे में। एक ऐसी कहानी है जो कि शुरू से लेकर के अंत तक आप गेस करते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे वो बच्चा अपने बाप के बारे में ज़्यादा जानना चाहता है, वैसे वैसे एक मिस्ट्री बढ़ती जाती है फिल्म के बारे में कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, बाप का क्या हुआ, बाप का क्या हुआ। तो इस तरह का एलिमेंट आपको जिसमें रिलेशनशिप है, संबंध है, उसके बारे में आप सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रहस्य भी छुपा है, एक बहुत बड़ा सस्पेंस भी और थ्रिलर भी इसके साथ में चलता है। और देखिए आदर्श एक नया एक्टर है, अभी बहुत ही कम उम्र का है, और उसमें पैशन है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वो काम करके आगे बढ़ना चाहता है, काम सीखना चाहता है। और जब मेरे कहने पे वो उसने जो है एक थिएटर स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था, सो उसमें वो लगन है वो अब, और आई एम वेरी श्योर कि वो बहुत आगे भी जाएगा, बहुत अच्छा गाना भी गाता है। बहुत कमाल का मैसेज है जिसमें कि कैसे आज का जो मध्यम वर्गीय परिवार है, एक मिडिल क्लास परिवार है, वो कैसे जूझ रहा है हर मुकाम पे, हर जगह पे, एक ईमानदारी की जिंदगी जीता हुआ इंसान भी कैसे वो इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए कैसे हर दिन जूझता रहता है, कैसे वो परिवार को इकट्ठा रखने में उसको दिक्कत आती है, कैसे परिवार के लिए खाना टेबल पर लगाने में उसके लिए दिक्कत आती है, और बाप बेटे का संबंध कैसा होना चाहिए, मतलब परिवार में एक दूसरे के प्रति सम्मान किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारी बात। सीक्रेट सुपरस्टार भी आई है अभी देखा जाए तो, फिर उसमें मदर और डॉटर्स का रिलेशनशिप बताया, इसमें फादर और कितना डिफरेंट है। देखिए मुझे पता नहीं, मैंने फिल्म देखी नहीं है तो इसलिए मैं उस फिल्म के बारे में बात नहीं कर सकता। मैं इस फिल्म के बारे में इतना कह सकता हूँ कि फादर एंड सन के संबंधों पर मुझे लगता नहीं है कि हाल फिलहाल में कोई फिल्म आई है। बहुत सब वो अगले साल आएगी, वो बागी टू अगले साल आएगी, अयारी अगले साल आएगी, तो अगले साल करीब 4-5 फिल्में आने वाली है मेरी, तो जब वो आएंगे उसके बारे में एक एक करके हम बात करते चलेंगे। अभी मेरे लिए रुख बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। आइए सर। Yeah.
अक्षय विशाल से इस साइड आ जाना, पार्टीशन उस तरफ है ना, हेयर कट तो अच्छा दिखता है इस तरह से। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस मूवी के लिए। बहुत दिल से हमने ये मूवी बनाई और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत रिलेटेबल सब्जेक्ट है। तो पूरी फैमिली में हर एक जो ऑडियंस मेंबर है, बाप बेटा भाई बहन, सब इन्जॉय करेंगे, सब इससे बहुत रिलेट करेंगे और देखते हैं क्या होता है आगे 27th को। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे आदर्श ने बताया कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इस ये सिनेमा बहुत सारा रिलेशनशिप के ऊपर बात करता है, फिर वो फादर सन है, फादर मदर है, और हर टाइम फैमिली में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसके बाद फैमिली के सारे जो रिश्ते हैं वो मतलब लग जाते हैं सारे रिश्ते। तो वो सारे रिश्ते एक्सप्लोर करना, वो सारे रिश्तों में डाउट्स, परमेंटेशन, कॉम्बिनेशन हमेशा रिलेशनशिप में वर्क होते हैं, तो उसकी एक अजीब सी उलझन है और फिर उसकी सुलझन भी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये ग्राफ है और उसको एक सस्पेंस का तड़का है एक तरह से। सस्पेंस में आप मूवी काफ़ी चूसी है, देखा जाए तो चूसी हम बोल सकते हैं मूवी के। इसमें सिंगम रिटर्न के बाद में ये आपकी मूवी आ रही है, कितना अर्से के बाद में इस मूवी को चूज़ करने का क्या खास रीज़न है? बीच में मराठी मूवी सेलिंग बॉलीवुड के बाद या सिंगम रिटर्न के बाद एक्चुअली अमरीका करके फिल्म आई थी, इट्स इंटरनेशनल फिल्म, एंड देन वो दृश्यम के साथ ही थी। मतलब मनीष सर ने जब वो फिल्म देखी थी देन ही ऑफर्ड मी दिस रोल रूक। और मुझे हमेशा इससे अच्छा लगता है कि अपना एक काम देखने के बाद एक दूसरा काम आपको मिल जाता है तो ये एक अप्रिसिएशन की रिसीट होती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो मिल गई है रुख मिलना। और ऊपर से जब मैंने इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, स्क्रिप्ट इज़ अ स्टार ऑफ दिस फिल्म आई कैन से, जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी रात में 11 बजे पढ़ना शुरू किया था, 2:30 बजे ख़त्म हो गई थी और मैंने ज़रा भी टाइम का बॉदर नहीं किया था और अतनु को फ़ोन किया था दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस। देखा जाए तो आपका किस तरह से मूवी मिली, ये मूवी बारे में बताइए किस तरह से मूवी मिली और जब आपको ये मालूम पड़ा कि मनोज वाजपेयी इस मूवी में, क्या रिएक्शन था? एक्चुअली हमने मूवी के तकरीबन 6-7 महीने पहले हमने एक ट्रीटमेंट सीन शूट किया था। तो ट्रीटमेंट सीन शूट करते टाइम तो मुझे पता नहीं था कि मूवी बनने वाली है, बट मनीष सर ने दृश्यम जो स्क्रीन राइटर्स लैब है वहाँ वो ये जो है इसका ट्रीटमेंट सीन देखा उन्होंने और उनको बहुत पसंद आया। तो उसके बाद अतनु का ये डिसीजन था कि वो मूवी बनाए, तो मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल था कि मतलब ऐसे कैसे मिल गया मुझे। बट बहुत लकी मैं कहूँगा क्योंकि ऐसे पार्ट्स भी बहुत कम लिखे जाते हैं जिसका हिस्सा इतने दिल से होना, यू वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ इट, यू नो। और मनोज सर तो मतलब बचपन से लेके मेरे लिए वो बहुत बड़े एक आइडल किस्म के रहे हैं। जो कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किया है सत्या में और इनिशियल पार्ट, मतलब बहुत छोटा था, मैं कुछ समझ नहीं आता था, बट फिर भी मतलब मेरे लिए वो इतने पावरफुल वे में उसको पोर्ट्रे करते रहे कैरेक्टर्स को। तो मुझे पता चला तो बहुत ही नर्वस था मैं इनिशियली, तो क्योंकि जब मैं घुसा अंदर तो जब वो पहली बार हंसे तो मैंने बोला यार ये तो वीकू मात्रे तो बहुत गजब का एक्सपीरियंस था। मनोज सर मेड मी एंड Everybody who was, you know, working on a film for the first time, he made us so comfortable. बहुत relaxed थे हम और हम इतने heavy subject के साथ deal कर रहे थे, but set में वो माहौल tension का माहौल नहीं था जो नहीं होना चाहिए। जब ease के साथ काम करने का एक अलग मज़ा होता है और उसका product आप जब देखेंगे ये film, आपको समझ में आएगा कि हमने कितने ease के साथ और कितने coordination के साथ काम किया है। Father और son की bonding दिखाई है इस movie में, कितना relate कर पाए आप? काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें थीं सर जो जिससे मैं रिलेट कर पाया, कुछ कुछ ऐसी चीज़ थी जिनकी मुझे एक्सपीरियंस नहीं थी, जैसे कि जो हॉस्टल जो ये कुछ एक रीज़न की वजह से घर के बाहर चले जाता है और हॉस्टल में पढ़ता है, तो हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे का एक मेंटालिटी होता है वो बहुत अलग हो जाता है क्योंकि वहाँ पर आप इतने इंडिपेंडेंस के साथ रहते हैं बिना पेरेंट्स के सुपरविजन के। तो वो सब चीज़ें जानने के लिए मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मैंने दोस्तों को फ़ोन किया जो सिंधिया वगैरह बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़े हैं, बाद में मालूम पड़ा कि मनोज सर खुद बोर्डिंग स्कूल स्टूडेंट है। तो बहुत इंटरेस्टिंग था सर, और क्योंकि वो सब से भी एक आदमी कितना बदल जाता है ना, मतलब वो 4-5 साल स्पेशली वो जो इन्फ्लुएंसिंग ईयर्स होते हैं जो 17 से 16 से 19-20, वही आई थिंक आपका पर्सनैलिटी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स जो है पूरा शेप अप करता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग था जी। एक्चुअली हाँ, मुझे एक स्कूल जाने का बहुत मन था, तो मनोज सर के साथ जब मैं डब करा था तो मैं उनको बता रहा था कि सर ऐसी ऐसी है, तो उन्होंने मुझे NHD वगैरह के बारे में बताया और बोला कि तुम्हें NHD जाना चाहिए, बट NHD में कोई एक रीज़न की वजह से नहीं जा पाया। बट बॉम्बे में ड्रामा स्कूल मुंबई कर ड्रामा स्कूल ऑफ मुंबई करके चन्नी रोड में, तो वहाँ मैंने एक साल का जाके जो है कोर्स किया। आप भी काफ़ी दिग्गज एक्टर्स के साथ इसके पहले भी काम कर चुके हैं,
अगेन जैसे आदर्श ने बताया कि वही मैं बहुत इंस्पायर्ड रही हूँ जो मनोज सर ने किरदार अब तक के परफॉर्म की है, सत्या का हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर का हो, शूल का हो, तो बहुत सारे उन कैरेक्टर्स का इम्पैक्ट रहा था। और वो सारी प्रोसेस जब अगेन के छोटे थे तब, तो वो सारी प्रोसेस अब नज़दीक से देखने मिलेगी, तो वो प्रोसेस देखने की लालसा थी बहुत ज़्यादा। और वो मैंने काफ़ी हद तक देख ही लिया कि कैसे एक इटर्नल प्रोसेस रहती है, कैसे एक अप्रोच होना चाहिए, क्या होने चाहिए, एक एक्टर का कैसे रहता है। ऑलवेज एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूट इन आर जर्नी, तो मनोज सर का ये से रुख फिल्म के साथ बहुत एक अलग सा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। इवन विद कुमुद मिश्रा, इवन आई एम सेइंग आदर्श इज़ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, तो हर कोई एक ऐसे आपको लगता है ना कि कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एंड दैट कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या इट इज़ अ टीम वर्क। एंड इस फिल्म में ज़्यादातर मैं ऐसे बता पाऊँगी कि प्रीवियस जो हम लोगों ने रिहर्सल्स किए हैं, सारे सीन्स वर्कआउट करने या इम्प्रोवाइज करना या कहाँ पे दिक्कत हो रही है, ये लाइन में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जब आप प्रीवियसली ही प्री में ही एक्सप्लोर कर लेते हो तो बहुत मज़ा आता है। सेट पे जाने के बाद एक ईज आ जाता है और उस ईज़ के साथ फिर आप और ज़्यादा एक स्टेप के हर स्टेप में जाओ, ऐसे एक मन होता है और वो कम्फर्ट जोन रहता है, वो कम्फर्ट जोन मिला, तो ये प्रोसेस ही बहुत प्यारी रही। क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले? देखिए ट्रेलर वेलर को देखिए तो बहुत, मतलब 2.1 मिलियन व्यूज़ हमें कुछ पहले दो हफ्ते में मिल गए थे, तो बहुत पॉजिटिव एक चीज़ है कि ऐसी जो फिल्में बन रही है जो कंटेंट ड्रिवन है और कंटेंट पे हेविली अपना जो है वो डालती है अपना बैलेंस, ऐसी फिल्मों को इतना सारा सपोर्ट मिलना बहुत बड़ा चीज़ होता है मेरे हिसाब से। सो आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म एंड देखते हैं 27 को क्या होता आगे। यस सेम ईयर आई विल से कि ट्रेलर को देख के, सारी चीज़ों को देख के कि क्या है, मतलब बहुत सारे रिएक्शंस, और जैसे कि आपने देखा कि ट्रेलर में एक सस्पेंस है, तो क्या हुआ है एग्जैक्टली, मर्डर हुआ है तो क्या हुआ है एग्जैक्टली, ऐसे बहुत सारे क्यूरियोसिटी से भरे सो भरे सवाल आते थे, तो वही एक अप्रिसिएशन लगा रहा। और ऐसे बोले कि बहुत टाइम के बाद, जैसे अमोल पालेकर ने बहुत ही बढ़िया कॉम्प्लीमेंट दिया था कि बहुत सालों के बाद ऐसा ट्रेलर देखने को मिला जो श्रवणीय है, जो सुनने में मज़ा आ रहा है। सो ये सारे कॉम्प्लीमेंट जब इनिशियल स्टेज में ट्रेलर को मिल जाते हैं तो मुझे ऐसे लगता है एक कॉन्फिडेंस लेवल और एक बहुत मज़ा आता है जी। और एक थ्रिलर डायरेक्ट करना जो है बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि आप वो बिना सस्पेंस रिवील किए आप कैसे उसको डायरेक्ट करते हैं ताकि ऑडियंस को बिल्कुल एक हिंट ही नहीं है कि एंड में क्या ट्विस्ट है, क्या है, तो वो जितना ब्यूटीफुली अतनु ने डायरेक्ट किया है दैट इज़ अमेजिंग। आई थिंक ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। हाय हाय इधर, ये ठीक है? सॉरी और एक बार, किस तरह की मूवी होने वाली है? रुख बेसिकली एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म है, तो एक स्टोरी जो हम लोग बहुत दिल से बोलने का कोशिश कर रहे हैं, इट्स बेसिकली ए फैमिली का स्टोरी है, एक इट्स अ जर्नी ऑफ अ बॉय एंड हाउ ही इज़ डीलिंग विद द सिचुएशन, हिज फादर इज़ नॉट अराउंड, सो बेसिकली एक कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म है, सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक। इट्स बेसिकली अ ड्रामा एंड अ मिस्ट्री, ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो मैंने डिफ़िकल्टी तो उस तरह का नहीं, जिस तरह का स्टोरी आप बोलना चाह रहे हो अगर वो एक ऑनेस्ट अप्रोच रहे तो आपको उसका मैंने बोलने का तरीका आपको पता चल जाता है, तो और फिर बाद में धीरे धीरे एक एक स्टेप में आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो धीरे धीरे चीज़ें और भी क्लियर और आसान होता जाता है। नॉट रियली, मैंने वो अलग फिल्म था, ये अलग फिल्म है, तो मैंने ये एक अलग सा स्टोरी है, तो सॉरी। हाँ, बहुत ही अच्छा था। बेसिकली मनोज जी को पाना फर्स्ट फिल्म में, फिर आदर्श गौरव बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, स्मिता जी, कुमुद मिश्रा और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, पवन भूषण, शुभ्रज्योति, इला जी, बहुत सारे एक्टर्स हैं, काफ़ी पहुँचे हुए एक्टर्स हैं, तो उनके साथ काम करना बहुत ही एक, मतलब मैं खुद को लकी फील कर रहा हूँ। थैंक यू।
आप जो खुशी देते हैं तो वही एक्सेप्ट कर लो। सर कौन सा सर तो लाल क्या। थैंक यू।